हेलो क्लास सिक्स्थ, हाउ आर यू? लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट देखना, ध्यान देना, अब से आपकी कंटिन्यू साइंस की वीडियोस आएगी और साइंस की वीडियोस को आपको कंटिन्यू देखना है और इसका कंटिन्यू आपको क्या करना है, वर्क करना है और एज सुन एज पॉसिबल अपना वर्क कंप्लीट करके स्कूल में नोटबुक्स को क्या करना है, सबमिट करना है। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है तो आपको वर्क कंप्लीट करके स्कूल में अपनी नोटबुक को सैटरडे को सबमिट करना है। ओके स्टूडेंट, इतना समझ में आया? चलो अब देखते हैं, अपने फर्स्ट चैप्टर से बात करते हैं। कौन से सब्जेक्ट साइंस के अंदर अपने बात करते हैं? फर्स्ट चैप्टर हमारा, चैप्टर का नेम क्या है? फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। फिफ्थ क्लास में हमने रीड किया था फूड के बारे में, फूड क्या होता है, फूड के कॉम्पोनेंट्स क्या क्या होते हैं, फूड हमारी बॉडी के लिए क्यों एसेसरी होता है, इन सब के बारे में हमने रीड किया था। आज अपने रीड करेंगे कि जो फूड होता है ये आता कहाँ से है, मतलब ये फूड जो हम खाते हैं, जैसे हम वेजिटेबल्स खाते हैं, राइस हो गया, ठीक है, पल्सेज होगी, कुछ दालें होगी, ये सब हम खाते हैं, तो ये हमें मिलता कहाँ से है, यानी कि जो हम जिससे हमारे हमें एनर्जी मिलती है वो वाला फूड हमें एक्चुअली में मिलता कहाँ से है, उसके बारे में अपने क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी कि जो फूड है वो हमें कहाँ से, एक्चुअली में वो फूड हमें कहाँ से मिलता है, उसके बारे में अपने क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले ध्यान में देना कि फूड हमें कहां से मिलता है। जरा सोचो स्टूडेंट्स कि जो फूड होता है वो हमें मेनली टू टाइप से, यानी कि किस किस से मिलता है, प्लांट से मिलता है और किससे मिलता है, एनिमल से मिलता है। एक तो प्लांट से मिलता है और किससे मिलता है, एनिमल्स से मिलता है, ठीक है। प्लांट्स के अंदर हमने देखा होगा हमारे आसपास के अंदर काफी ज्यादा मतलब क्रॉप्स वगैरह का प्रोडक्शन किया जाता है, उन्हीं क्रॉप्स से हमें क्या मिलता है, फूड मिलता है, ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें क्या मिलता है, उनसे फूड मिलता है, ठीक है। अब एनिमल्स, एनिमल्स के से भी क्यों, जो मीट वगैरह होता है, जैसे फिश वगैरह हो गया, ठीक है, फिश वगैरह हो गया, गोट हो गया, ठीक है, तो इस टाइप का इनका जो मीट वगैरह होता है, ठीक है, जो एग हो गया, जैसे हैन से हमें क्या मिलता है, एग मिलता है, ठीक है, और क्या मिलता है, मीट मिलता है, चिकन मिलता है, ठीक है, तो इस टाइप के अंदर जो हमारे पास में जो फूड आता है, ठीक है, तो उसी फूड के बारे में अपने क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं कि फूड हमें, अब ध्यान में देना मेनली हमें फूड कहाँ से मिल रहा है, प्लांट्स और एनिमल से, कहाँ से मिल रहा है, प्लांट्स से, और सेकेंड थिंग हमें कहाँ से मिल रहा है, एनिमल्स से मिल रहा है, ठीक है। फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी कि जो फूड है वो हमें एक्चुअली में कहाँ से मिलता है, प्लांट से भी मिलता है और कहाँ से मिलता है, एनिमल्स से मिलता है। ओके स्टूडेंट, इतना समझ में आया? अब देखते हैं अपने फूड की वैरायटी क्या क्या होती है, फूड की वैरायटी के बारे में समझते हैं। तो देखना यहाँ आपको कुछ डायग्राम्स दे रखे हैं, तो देखो फूड की क्या क्या वैरायटी होती है। तो फूड जो होता है वो मेनली दो टाइप के अंदर होता है, एक तो क्या होता है, वेज फूड होता है, और एक कौन सा फूड होता है, नॉन वेज होता है, ठीक है। वेज में क्या आता है, जैसे बेटा चपाती वगैरह आ गई, वेजिटेबल्स वगैरह आ गई, ये सारे किसके अंदर आते हैं, वेज में आते हैं। नॉन वेज में क्या होता है, नॉन वेज में लाइक है, जैसे ये फिश आ गया, ठीक है, डिफरेंट फूड आइटम्स यहाँ दे रखे हैं। ये देखो बेटा क्या है, ये इडली है, ठीक है, ये यहाँ कुछ सांबर और ये कोकोनट चटनी है, ठीक है, तो इसी टाइप के अंदर ये कुछ पल्सेज वगैरह, ये नॉन वेज फूड है। तो फूड जो डिफरेंट फूड आइटम्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग क्या होते हैं, फूड्स होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। तो देखो जब भी हम फूड बनाते हैं तो फूड बनाने के लिए जिस भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, जो हमारी बेसिक चीज़ें जो उसके अंदर हम डालते हैं, लाइक है जैसे एक हम सब्जी बना रहे हैं, तो सब्जी बनाने के लिए उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए होती है, ठीक है। राइस बना रहे हैं तो राइस का फूड बना रहे हैं, ठीक है, थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम, वी टेक रॉ राइस एंड बॉइल इट इन वाटर जस्ट फॉर टू मटेरियल्स। तो जो क्या होता है नॉर्मली, जो उसके अंदर जो डालने वाले, यानी कि फूड बनाते वक्त जो थिंग्स हम डालते हैं, यानी कि जो राइस हो गया, लाइक है जैसे राइस हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, और हमने उसके अंदर क्या डाले, जैसे मतलब कुछ स्पाइसेस वगैरह डाले, ठीक है, तो वो सारे के सारे किसके अंदर इंक्लूड्स होते हैं, इंग्रेडिएंट्स में इंक्लूड होते हैं। किस में इंक्लूड होते हैं, इंग्रेडिएंट्स में। हैव सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स से मिलते हैं, लाइक एज वेजिटेबल करी होगी, तो करी के अंदर क्या होता है, काफ़ी सारी थिंग्स वगैरह डलती हैं, ठीक है। तो नॉर्मली स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या बताया गया, इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, यानी कि फूड बनाते वक्त जो चीज़ हम उसके अंदर डालते हैं, एक्चुअल में जो उसके अंदर डालते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, इंग्रेडिएंट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, उनको इंग्रेडिएंट्स बोला जाता है। ओके स्टूडेंट, इतना समझ में आया? अब देखते हैं अपने, जैसे देखो क्या है,
कि अपने इंग्रेडिएंट्स के बारे में देखते हैं कि इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होते हैं। देखो फूड आइटम, रोटी और चपाती में क्या डालते हैं अपने, आटा और वाटर डालते हैं। दाल में क्या डालते हैं, देखो दाल में पल्सेज, जिसकी दाल बनानी होती है, ठीक है, वाटर डालता है, साल्ट डालता है, ऑयल डालता है, घी डालता है, स्पाइसेज मसाले वगैरह डालते हैं। तो क्या होता है, काफ़ी सारी थिंग्स को क्या किया जाता है, उनके अंदर इंक्लूड किया जाता है। ओके स्टूडेंट, इतना समझ में आया आप सभी को। देखते हैं अपने नेक्स्ट, अपने आगे देखते हैं हमारे चैप्टर में आगे क्या है, फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो हमारा जो फूड मटेरियल होता है, यानी कि फूड का जो मटेरियल है, यानी कि फूड हमें मिलता कहाँ से है, फूड के अंदर जो मटेरियल्स होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं। जैसे देखो बेटा यहाँ क्या है, फ्रूट्स हैं, प्लांट के सोर्सेज ये हैं वगैरह, और फूड हमें मिलता कहाँ कहाँ से है उसके बारे में अपने क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो देखना फूड का मटेरियल मेनली हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। सेकंड थिंग, हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल से, ठीक है। तो मेनली मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो फूड होता है हमें मेनली कहाँ से मिलता है, प्लांट्स से मिलता है। दूसरी बात ये हमें कहाँ से मिलते हैं, एनिमल्स से मिलता है। कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है। तो जो फूड का जो मटेरियल होता है या फिर जो फूड के जो सोर्सेज होते हैं, ठीक है, वो क्या है, तो वो मेनली ध्यान में देना प्लांट्स है, ठीक है। और दूसरी बात कौन सा है, एनिमल्स है। देखो एनिमल से क्या मिलता है हमें, मिल्क मिलता है काओ बफेलो से, ठीक है, एग्स मिलते हैं हैन से, मीट मिलता है गोट वगैरह हैन वगैरह इनसे मिलता है। तो प्लांट से क्या मिलता है, देखो पैडी वाइट जो गेहूं वगैरह जो अनाज वगैरह जो मिलता है, ठीक है, प्लांट्स वगैरह से मिलता है सारा का सारा। यहाँ देखो स्टूडेंट ये क्या है, फ्रूट्स है, ठीक है, ये क्या है, दाल है, ठीक है, जो कि हमें अनाज वगैरह से मिलता है। ये एनिमल सोर्सेज, ये प्लांट्स के सोर्सेज थे, और ये कौन से सोर्सेज हैं, एनिमल सोर्सेज है। देखो एनिमल से क्या मिलता है, एग मिलता है, और यहाँ से हमें क्या मिलता है, चिकन मिलता है। ओके स्टूडेंट, आपको इतना समझ में आया, ठीक है, कि जो हमारा जो फूड के जो सोर्सेज हैं वो मेनली टू टाइप के अंदर होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, जैसे उसके अंदर एक तो हमें प्लांट्स से मिलता है, ठीक है, और दूसरा किससे मिलता है, एनिमल से मिलता है। देखो अब स्टूडेंट अपने बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेज। तो देखना कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स से मिलता है उनके बारे में अपने बात करते हैं। जैसे इडली, देखो इडली किससे मिलती है, राइस, उड़द दाल, साल्ट और वाटर से मिलकर बनती है। सोर्स क्या है इसका, प्लांट। चिकन करी तो किससे मिलता है, चिकन, स्पाइसेस, ऑयल, घी, वाटर, और ये ध्यान में देना देखना किससे, एनिमल का सोर्सेज भी है और प्लांट का सोर्सेज भी है, क्योंकि ऑयल घी हमें कहाँ से मिलेंगे, प्लांट्स वगैरह से मिलेंगे। खीर की बात करते हैं, मिल्क और राइस, तो मिल्क कहाँ से मिल रहा है, एनिमल से, और राइस कहाँ से मिल रहे हैं, प्लांट्स से मिल रहे हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, इतना समझ में आया आप सभी को अपने, थैंक यू एंड हैव ए नाइस।